नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है प्राइम समाचार में मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिल्ली हिंसा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि किसानों के नाम पर देश विरोधी ताकतों को इस देश में अराजकता फैलाने के लिए छूट नहीं मिलेगी। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुछ किसानों के नाम पर देश विरोधी ताकतों को इस देश में अराजकता फैलाने के लिए छूट नहीं मिलेगी। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री से गुहार भी लगाई है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने किसानों के जिस तरह से 26 जनवरी को किसानों के नाम पर जिस तरह का उपद्रव मचा, हालांकि यह अराजकता बेहद ही शर्मसार थी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ये किसान नहीं थे, कोई अराजक तत्व ही थे और इनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं गुहार लगाता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तमाम लोगों को चिन्हित किया जाए और इसके बाद इन पर कार्रवाई की जाए। किसानों के नाम पर आज अराजकता फैलाने का जो ये काम हुआ है, उसके खिलाफ कृषि मंत्री का ये बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के नागदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बीते कल हुए किसान आंदोलन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे तो आखिर उन्हें आंदोलन करने से रोका क्यों गया। वहीं उन्होंने शहर में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केवल एक महापुरुष नहीं बल्कि सभी महापुरुषों की मूर्ति लगनी चाहिए। इस कार्यक्रम में उनके साथ उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह समेत कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता का यह बयान आया है कि आखिर भाजपा सरकार ने कांग्रेसियों को माफ कीजिएगा किसानों को आंदोलन करने से क्यों रोका। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे तो आखिर उन्हें आंदोलन करने से क्यों रोका गया। वक्त हो चला है वहीं एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा क्योंकि खबरों का दौर जारी रहेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थाना प्रभारी एवं समस्त स्टाफगण, थाना केंद्र, जिला गुना, मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थाना प्रभारी एवं समस्त स्टाफगण, थाना आरून, जिला गुना, मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रजिस्ट्रार अधिकारी एवं समस्त स्टाफगण, जिला उप पंजीयन कार्यालय, गुना, मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर, बिजी रोड, गुना, श्याम ट्रेडिंग कंपनी, जिला गुना, मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खनिज अधिकारी एवं समस्त स्टाफगण, जिला खनिज विभाग, गुना, मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त स्टाफगण, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास PIU 2 गुन, जिला गुना, मध्य प्रदेश।
सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवकी नंदन जाटव एवं समस्त स्टाफ का शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2AB रोड गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिकारी कर्मचारी एवं समस्त स्टाफगण जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महाप्रबंधक एवं समस्त स्टाफगण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यालय गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई उद्यानिकी फसलों को अपनाएं और अधिक लाभ लें। उप संचालक उद्यानिकी विभाग जिला गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यपालन यंत्री एवं समस्त स्टाफगण संभागीय परियोजना यंत्री PIU जिला गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यपालन यंत्री एवं समस्त स्टाफगण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा RES गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिकारी कर्मचारी एवं समस्त स्टाफगण महिला बाल विकास विभाग गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यपालन यंत्री एवं समस्त स्टाफगण महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमावी गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अधीक्षक एवं अधिकारी कर्मचारी एकलव्य छात्रावास गुना मध्य प्रदेश। न हिंदू में हूँ न मुसलमान में हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, हर इंसान में मैं हूँ। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूँ। सुबह की प्रार्थना में हूँ, शाम की आजान में हूँ। रविशंकर की सितार की आवाज में हूँ, बिस्मिल्ला की शहनाई की गूंज में हूँ। हमीद की दहाड़ में हूँ, भगत के बलिदान में भी मैं हूँ। नवरातों के व्रत में हूँ, रोजे और रमजान में मैं हूँ। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के हुए उग्र आंदोलन पर मध्य प्रदेश के शिक्षा चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद हुआ है। गणतंत्र दिवस के दिन इसी तरह की अराजकता फैलाना सही नहीं था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये भी सुनिश्चित हो गया है कि वो किसान नहीं थे। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह दिव्य ज्ञानी है, ये हम सब पहले से जानते हैं। उनके बयान पर टिप्पणी करना समय बर्बाद करना होगा। दिग्विजय सिंह जी दिव्य ज्ञानी है, ये हमें सबसे पहले से मालूम है। जिनको आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करना है, जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, जिन्हें एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देश के जवानों को हतोत्साहित करना है, जो इस तरह से पुलिस के साथ जो कल मारपीट हुई उसके बाद भी पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसके माध्यम से संपूर्ण पुलिस को हतोत्साहित कर रहे हैं, उन दिग्विजय सिंह के बयान पर टिप्पणी करना ही अपने आप में मुझे लगता है। भारत पचलाना में स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया। कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना काल में अद्वितीय योगदान दिया, उन्हें कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप में
टीका लगाया गया। वहीं कोरोना वैक्सीन के पहले डोज के बाद 28 दिनों में दूसरा डोज लगाया जाएगा। वैक्सीन लगने के बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों की हालत नॉर्मल दिखी, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। वहीं टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने आमजन को भी टीका लगवाने की सलाह दी है। कोरोना का टीका फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया। बता दें कि एक टीका दे दिया गया है, इसके बाद 28 दिनों बाद दूसरा डोज तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। वहीं पहले डोज के बाद किसी भी स्वास्थ्य कर्मी में किसी भी तरह की कोई परेशानी उजागर नहीं हुई। वहीं तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने आमजन को भी इस टीके को लगवाने की सलाह दी है। महिलाओं के अंदर बेसिकली टीका से संबंधित कोई भय नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा भय है जो समाज में, कम्युनिटी में, हम सब लोगों में, वो कोरोना का डर था। लेकिन वैक्सीनेशन ने, एक भारत शासन ने ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट की है कि इसकी वजह से कम्युनिटी में प्लस जो हमारे जो हितग्राही है उनमें भय। शाहपुरा के मनीषा लेक पर नाबालिग के साथ बदमाशों द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने आरोपी और नाबालिग को पुलिस थाने पर ले गई, जहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौके पर पहुंचे और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाहपुरा का ये पूरा मामला है, मैं आपको बता दूं कि जहां नाबालिग के साथ कुछ बदमाशों द्वारा घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां नाबालिग को भी पुलिस और आरोपी को भी थाने लेकर आई। नाबालिग का मेडिकल जांच कराई गई। वहीं आरोपी को कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहपुरा का पूरा मामला है, जहां नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया। हालांकि ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर उस युवक को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त स्टाफगण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आधार बाई एवं समस्त स्टाफगण, जनपद पंचायत चांचौड़ा बीनागंज जिला गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिकारी एवं समस्त स्टाफगण, जिला शिक्षा विभाग गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देश की प्रगति में सहयोग प्रदान करें। कार्यपालन यंत्री एवं समस्त स्टाफगण, लोक निर्माण विभाग जिला गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थाना प्रभारी एवं समस्त स्टाफगण, थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिलाधिकारी एवं समस्त स्टाफगण, परियोजना अधिकारी महिला एकीकृत बाल विकास जिला शिक्षा विभाग गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। अधिकारी कर्मचारी एवं समस्त स्टाफगण, वरिष्ठ कृषि विभाग अधिकारी गुना
जिला मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेहरबान सिंह धाकड़ अध्यक्ष, सूर्यकांत त्रिपाठी उपयंत्री, गजेंद्र तोमर मंडी सचिव कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आरोन मध्य प्रदेश। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शासकीय योजना का लाभ लें, निकाय के करों का समय पर भुगतान करें, नगर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें, घर में शौचालय अवश्य बनवाएं। रमाशंकर शर्मा CMO, मुनेश जैन प्रभारी उपाध्यक्ष, समस्त पार्षदगण एवं समस्त स्टाफगण नगर पंचायत आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थाना प्रभारी एवं समस्त स्टाफगण थाना मयाना जिला गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जल संसाधन विभाग जिला गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थाना प्रभारी एवं समस्त स्टाफगण थाना फतेहगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश। सभी जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिकारी BG रोड गुना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला गुना मध्य प्रदेश। संजय भाई बाबा घोड़ी वाले महू की ओर से समस्त देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महू मध्य प्रदेश। सरपंच सत्यनारायण पाटीदार, सचिव संदीप जोशी, सहायक सचिव सुनील कुमार शर्मा की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आपसे इस अवसर पर विशेष विनती, अपने आसपास स्वच्छता रखें, स्वस्थ रहें और महिलाओं का सम्मान करें, शासकीय संपत्ति की सुरक्षा करें। उज्जैन मध्य प्रदेश। घर घर प्रदेश में जो 8 करोड़ की अभी पॉपुलेशन है, 8 करोड़ मेरे प्रदेश के वासियों को मैं गो भक्ति जोड़ना चाहता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास रात के सबसे बड़े पंचायत ग्राम मड़ावदा में युवा पत्रकार रवि बैरागी ने गणतंत्र दिवस पर गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए रक्तदान किया। इस मौके पर जर्नलिस्ट यूनियन के लोग भी मौके पर मौजूद रहे। पत्रकार की इस पहल पर लोगों का कहना है कि सुरक्षा और सहायता कर्तव्य को याद कर अनोखा गणतंत्र दिवस मनाकर रक्तदान करते हुए महादान का उदाहरण पेश किया गया है। साथ ही युवाओं को भी रक्तदान के लिए जागरूक किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से खाचरौद में रक्तदान का आयोजन किया। जैसा कि हम सबको पता है कि रक्तदान ही सबसे बड़ा दान। महू में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेना की इंटेलिजेंस और CMP पुलिस की निगरानी और चेकिंग के दौरान एक फर्जी फौजी को पकड़ने में सफलता पाई गई। पकड़े गए आरोपी का नाम मिथुन बताया जा रहा है। थाना प्रभारी राकेश पुरी ने बताया कि उनसे पूछताछ जारी है और कई चौंकाने वाले खुलासे होने की पुलिस संभावना जता रही है। फर्जी फौजी को महू पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस अंदेशा लगा रही है कि इस फौजी से कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।